जहाँ हम जाने वाले वहाँ हम आपको शायद और भी लोग मिलेंगे। ओके, नींद आने लग जाए मुझे बीच में, वो ठीक नहीं रहेगा। साथ में ले जा रहा हूँ अक्षय भाई को। हर जगह सिटी में एंटर होने से पहले कियोग में, जहाँ से वो सड़क नीचे गई थी, और नी और दिव्य भाई हमारे को मिले, और शायद वो हमारे साथ। और वापस में कहीं तेल नहीं मिला ना तो धक्के मारने पड़ेंगे। गाड़ी वाले ने हमारे को ठोक दिया था ये वाली साइड। जब भी रिमोट के थ्रू बंद कर रहा हूँ, ये बार बार खुले जा रहा था। सही बात, देख लो ब्राउन से हो रहे। क्या ये फंगल डिजीज है या इस सेब का क्या हाल हो गया है? मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है तो अबैंडनड है पूरा बगीचा। अब जूते इतने भारी हो चुके और ऊपर से फिसल रहे। अब अभी इसको खिड़की बोला जाता है क्योंकि, तो भाई किस्मत हो तो ऐसी हो। चुका हूँ मैं, टाइम हो चुका है 7:30 और अब फिलहाल टाइम आ चुका है निकलने का। वो मैं आपको अभी जाते जाते बताता हूँ। अभी नीचे घर चलता हूँ, तैयार होता हूँ, खाना खुना खाते फिर निकल जाते हैं। जाने वाला कौन है आज? आज मैं और पापा जाने वाले, और शायद जहाँ हम जाने वाले वहाँ हम आपको शायद और भी लोग मिलेंगे, वो भी पक्का नहीं है, बट अगर मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए नीचे चलता हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी फाइनली रेडी हो चुके हैं। वह काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया निकलने के लिए यार। ऑलमोस्ट टाइम मैं आपको बताऊँ 9:30 हो चुका है। हमारा प्लान था ऑलमोस्ट 8 बजे निकलने का, लेकिन 8 बजे तक तो मैं उठा ही हूँ यार, क्योंकि रात को एडिटिंग करते करते लेट हो गया था। रात को लेट सो तो सुबह उठने में लेट वैसे ही हो जाते, और मैं चाहता था नींद पूरी हो ताकि सफ़र में मतलब ऐसा कुछ ना हो कि नींद आने लग जाए मुझे बीच में, वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा रहने वाला है आज का, काफ़ी टाइम बाद। क्योंकि पहले तो चलो मैं करता था ऐसे सफ़र, तब ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, अब काफ़ी टाइम से ऐसे सफ़र किए नहीं है तो आज बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं चाहता था पूरी एनर्जी के साथ चले ताकि आगे जाके अपने को कोई दिक्कत ना है। बाकी मौसम का अपडेट दूँ तो भाई ये देखो ऐसा कुछ है मौसम, बीच बीच में ठीक भी हो रहा है, बीच बीच में ख़राब भी हो रहा है। अब देखो वहाँ से कट रहा है मौसम, है ना, उस साइड से बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उस साइड बादल आना मतलब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले, तो देखो लोकेशन रिवील कर ही देते हैं फाइनली। तो गाइज बेसिकली हम जा रहे हैं गाँव में और पापा अर्जेंटली, क्योंकि हमारे को यार बगीचे में कुछ काम आ गया था। जो सेब के पेड़ होते हैं उनमें जो लीव्स होती है उनमें थोड़ी बहुत लीव्स में ना दिक्कत आने लगी है, तो हमारे को मतलब वहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ताकि हम उसको रेकी कर सके, फिर उस अकॉर्डिंग उस पर स्प्रे करवा सके, या मतलब जो भी उसको लगेगा उस अकॉर्डिंग वो स्टेप ले सके। तो उसके लिए हमारे को अर्जेंटली आज जाना पड़ रहा है। फॉर्चुनेटली आज पापा की छुट्टी थी तो पापा बोलते चल पड़ते यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम गए भी नहीं है बगीचे में। और फिर चौपाल में भी हमारे को एक दो काम थे वो भी निपटाएगा हमारे को, मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। बगीचे में जाना है, 1-2 घंटा वहाँ बिताना है, फिर वापस आ जाना है, फिर चौपाल जाना है, वहाँ 1 घंटे का काम होगा, फिर वापस आके सीधा शिमला निकल जाएंगे। तो ऐसा ऐसा प्लान है फिलहाल अभी का। तो बस शूज़ पहनते, साथ में मैं स्पोर्ट शूज़ भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तो हम गाड़ी खड़े गए वहाँ तक तो चलो ठीक है, बट वहाँ से नीचे उतरना, बारिशों का टाइम है भाई, और बगीचे में लिटरली कीचड़ ही कीचड़ होता है, क्योंकि यार वहाँ चिकनी मिट्टी है, लिटरली चिकनी मिट्टी, और उस मिट्टी में भाई फिसलते हैं, वहाँ पैर टिकाना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा डर भी मुझे इसी चीज़ का है आज कि भाई उतरेंगे कैसे बगीचे में, क्योंकि उतरना भाई नेक्स्ट लेवल टास्क हो जाता है भाई। इसलिए स्पोर्ट शूज़ कैरी करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ग्रिप है, बाकी मेरे पास कोई ऐसा शू नहीं है जिसमें प्रॉपर ऐसा ग्रिप है। गाड़ी लगाने आ जा, चलना गाँव बाय। फाइनली निकलने की बारी आ गई है, साथ में ले जा रहा हूँ अक्षय भाई को मैं। चलो आप भी गाँव मेरे साथ छोड़ लो। सोकर उठकर ही खींच लिया मैंने इनको। सब खराब भी है ठीक भी है भाई जी, बट 12 बजे के बाद दिखा रहा है खराब। जब हमारी बैचलर पार्टी तब तक के लिए थोड़ा सा ऐसा भी रह चलेगा, तब तो ठीक दिखा रहा है। उस टाइम उस दिन था आपकी गाड़ी यहाँ लगी है, निकाल लो आप तब तक, मैं भी निकाल लूँ जो है यहाँ पर, तब शायद अक्षय भाई यहाँ लगा ले अपनी गाड़ी या वहाँ पर सामने, क्योंकि इसके बाद इन्होंने भी कहीं ना कहीं जाना है। बट अब मुझे ये समझ नहीं आता मैं बीच से घुसूँ कैसे, जगह देख रही कितनी कम है भाई। जब मैंने यहाँ गाड़ी लगाई भी थी ना तब मैं यहाँ से चढ़ के आया था, देखो यहाँ से चढ़ के आया था बाहर, वरना यहाँ जाने की जगह ही नहीं है भाई। यहाँ से तो कामयाब हुआ नहीं घुसने में, फिर से मुझे वापस पीछे होकर यहाँ होकर अब आना पड़ा गाड़ी के पास। अब चक्कर ये है भाई, टाइम 9:30 से ज़्यादा हो गया ना, अब ट्रैफिक लगने वाला है यहाँ। विकास नगर से ऊपर निकालनी बड़ी औखी हो जाएगी, अब गाड़ियाँ फंसने वाली है।
यही नुकसान लगता है मुझे यार पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ाने का। ये देखो ये गोंद जैसी देख रहे हो, ये पेड़ से ऊपर गिरकर अब इस शीशे में चिपक चुकी है। अब ये निकालना भी बड़ा औखा हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखो दोनों ही जगह सेम हाल है भाई, निकालना बड़ा मुश्किल है। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या इसका भाई, निकलेगी भी नहीं ऐसे इजली। अब जब वॉश होगी गाड़ी अच्छे से, शीशा साफ होगा अच्छे से, तब जाके ये गोंद निकल पाएगी। गाड़ी में तो घुस गया जैसे तैसे, अब गाड़ी मैंने ऑन कर लिया ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। जाने से पहले तेल भी भरवाना पड़ेगा और अभी सामान भी उठाना है, तो भाई काफ़ी कुछ होने वाला और काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी हमें पहुँचते पहुँचते। यार पता नहीं कब पहुँचेंगे, कब वापस आएंगे। चलो क्या कर सकते हैं अब। तो जी आज छुट्टी का दिन है ना, तो सारे इलाके खाली है। छोटे शिमला खाली था, संजौली खाली है ही नहीं, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। अच्छी बात है भाई, भाई साहब सारी जगह खाली खाली, अच्छी बात है। इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी फ्री भी हो पा रहे, अच्छी बात है। तो चलो जल्दी जल्दी इसी चक्कर में निकल भी जाते हैं अब आगे। बस पापा भी यहाँ उतरे आगे, क्योंकि पापा ने सेब की दवाइयाँ लेनी थी। तब तक मैंने भरवानी है क्या बोलते हैं टायरों में हवा, क्योंकि आपको पता है निकलने से पहले सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टायरों में हवा, गाड़ी में तेल और बाकी शीशा साफ। ये थोड़ी चीज़ है जिसका ध्यान रखना पड़ता है भाई। हाँ जी 32 जी 32। तो बस यहाँ से दवाई उठा रहे हैं, ये देखो पीछे डिक्की में डाल रहे हैं, फिर निकलता है। ऐसी जगह कि यहाँ ना मतलब टाइट होने वाले काम है, ट्रैफिक फंस जाता है थोड़ी भी, यहाँ गाड़ी रुक जाना। अब जैसे यहाँ हो गया 2 मिनट भाई, 2 मिनट बस यार। पा चुके हैं हम धुंध वाले इलाके में, तो पूरे कुफरे में आप देखना धुंध ही धुंध रहेगी। और यहाँ पर अब ध्यान से भी चलना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इस टाइम पर। ये देखो जो एक गाड़ियाँ खड़ी है, ये खड़ी है अभी 1 मिनट ट्रैफिक रूल के अंडर। मतलब अब देखो जब भी आप शिमला इंटर कर रहे हो, बेशक आप कहीं अपर वाली साइड से कर रहे हो या मतलब नीचे निगढ़ वाली साइड से कर रहे हो, हर जगह सिटी में इंटर होने से पहले ट्रैफिक रोक दिया जाता है 1-1 मिनट के लिए। फिर थोड़ी 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 करके गाड़ियाँ भेजी जाती है ताकि आगे जाके ज़्यादा ट्रैफिक ना फंसे। तो ये काफ़ी अच्छा रूल लगा था मुझे, और उसकी वजह से सही में ज़्यादा कंजेशन भी नहीं होता है शिमला में, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं फंसता है। तो एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट है गोयल मोटर्स के पास, या वहाँ पर जहाँ से नीचे जुबड़ट्टी को जाते हैं। पहुँचते ही लग चुकी है भाई बारिश, हल्की हल्की लगी है, लेकिन इसकी वजह से सड़क नीचे गिल्ली हो चुकी है। और सड़क नीचे गिल्ली हो चुकी है ना यार, तो अब यहाँ मतलब कभी कभार डर ये लगता है कि ब्रेक मारते हुए कहीं स्किड ना कर जाए गाड़ी, बाकी तो कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए अब आराम से चलना पड़ेगा इन सड़कों पर, स्पेशली जहाँ तक तो गिल्ली है भाई। फाइनली हम उस जगह पर पहुँच गए ठियोग में, जहाँ से वो सड़क नीचे गई थी, और उसकी जगह अब एक लोहे का ब्रिज बना दिया गया। जब तक के लिए वो सड़क पूरी अच्छी तरह से नहीं बनती। तो ये देखो भाई, ये है वो ब्रिज जिसको हम कवर करने जा रहे हैं आज। पहली बार, कोई आइडिया नहीं था। ओ भाई साहब क्या बात है, ब्रिज तो बढ़िया बन गया है, क्या बात है ना, बहुत बढ़िया डाल दिया है। शॉर्ट्स पे में हफ्ते के अंदर इन्होंने ये ब्रिज डाल दिया था, तैयार कर दिया ताकि मतलब ट्रैफिक रुके नहीं यार, क्योंकि मेन हाईवे यार, मेन हाईवे पर तो आपको पता ही है, अगर हलचल बंद हो जाए तो काम रुक जाता है काफ़ी सारा। तो जी आप देख सकते हो, ये पिछली बारी जब हम गांव आए थे, हाँ कहीं देखो सड़कों का काम चल रहा था, तो यहाँ बुरे हाल हुए थे सड़क के, पानी पानी भरा था हर जगह। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सड़क के हाल थोड़े ठीक हो गए, चला लेता ठीक गाड़ी से जड़ या पत्ते में कैसा लग रहा है। ये देख रहे हो हाल भाई, सारी जगह काम ही काम चल रहा है, भी देखो काम ही काम चल रहा है भाई। और यही थे वो बड़े बड़े गड्ढे, अभी लग रहा है कि सड़क के हाल ठीक हो गए। चौड़ी देखो कितनी हो गई, और उस टाइम कितनी टाइट थी, और अब कितनी चौड़ी कर दी है। अभी रुके एक पेट्रोल पंप पर, क्योंकि ये मतलब अब ये लास्ट पेट्रोल पंप है, चौपाल तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आने वाला है, चौपाल के बाद ही आएगा अब जो पेट्रोल पंप आएगा, उससे पहले कोई नहीं आएगा। तो हमने सोचा तेल रिफिल करके चलते हैं, है वैसे आधी टंकी, बट हमने सोचा रिस्क क्यों लेना, कहीं वापस में फंस गए और वापस में कहीं तेल नहीं मिला ना तो धक्के मारने पड़ेंगे। जस्ट सैन से आगे आए, और भाई इतनी गर्मी है यहाँ पर, क्या बताऊँ आपको, धूप लगी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऊपर से सड़क का काम चल रहा था तो धूल ही धूल उड़ रही थी, उसकी वजह से शीशे नहीं खोल पा रहे थे। भाई साहब इतनी गर्मी लग रही थी, हाल देख ही पा रहे हो आप हमारा पसीने से। तो जी फाइनली फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह पर जहां से उतरते नीचे अपने बगीचे की तरफ। अभी हमारे को दिव्यम मनित भी मिले थे आगे, मतलब गुडवापा वगैरह मिले थे, जस्ट थोड़ा ही आगे 100 मीटर आगे हो गए यहाँ से, वहाँ हमारे को मिले थे। बट वो था कि उन लोगों ने जाना था
कोई शादी या कुछ अटेंड करना था उन लोगों ने, तो चलते रहे। फिर मैंने कहा कोई नहीं यार, अब शिमला जाके ही मिलेंगे आप लोगों से। बस अब फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, इतने टाइम बाद इतनी लंबी ड्राइव की ना, कंधे दर्द होने लगी है, पीठ दर्द होने लगी है। अभी फिलहाल के लिए यार करते फुर्ती मारते, जल्दी जल्दी चलते नीचे बगीचे में नजर मारते और फिर जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं। अभी जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपने प्लॉट के बारे में बताया, जो आप बोल सकते जो हमारा फ्यूचर घर होने वाला है उसके बारे में बताया, तो काफी लोग उसकी लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ है उसकी लोकेशन। लोकेशन जहाँ पर है वो है लोअर खलीने में, या एक जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया का नाम है भगवती नगर, जो लोअर खलीनी में आता है वहाँ है हमारा प्लॉट। अभी जैसे हम रील्स बनानी शुरू किए तो मैंने लोगों को पहले बोला था, क्या बोलते हैं अपनी वीडियोस में, कि आपके पास किसी के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें बताना, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ लेट अस नो। तो काफ़ी लोगों की मुझे सजेशन आ रही है रील से रिलेटेड यार, कि ये वाली रील बनाओ, ये वाली रील बनाओ। यार बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वापस रिप्लाई बैक करते हो, सजेशन देते हो, तो हम कोशिश करेंगे जितनी हम रील्स बना सकेंगे ना उतनी हम बनाएंगे। गाड़ी को यहाँ खड़ा दिया, आप चलते नीचे बगीचे की तरफ। शूज़ मैं यही पहन के जा रहा हूँ क्योंकि बारिश है नहीं, और नीचे क्या बोलते हैं सूखा है सारा बगीचा, वहाँ बिल्कुल भी गिल्ला नहीं पड़ा हुआ है। अभी बारिश पड़ेगी तब तो हो जाएगा, बट उम्मीद यही कर रहे हैं अभी पड़े ना जब तक हम वापस ना आ जाए, और कुछ दिनों के लिए और भी यार, वरना बहुत नुकसान हो रहा है। तो यार पता नहीं कितने टाइम बाद इन जंगलों में आ रहा हूँ मैं वापस। लास्ट सर्दियों में ही आए थे, और सर्दियों में और भयान है इन जंगलों के, पता नहीं कितने चक्कर काटे, क्योंकि रोज़ का हमारा होता था कि घर से ऊपर गाड़ी तक जाना जस्ट फॉर की फिज़िकल एक्टिविटी हो जाए, तो उसके लिए मैं और भैया रोज़ ये चढ़ाई चढ़ते थे, और इतना मज़ा आता था यहाँ पर यार। एक तो जो यहाँ पर ग्रीनरी, शांति, ठंडी हवाएं, क्या क्या बोलूँ, मतलब बहुत कुछ है भाई, एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं उन चीज़ों को। कल तो हरियाली भी इतनी हुई है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये देखो नेक्स्ट लेवल हरियाली यार सारी जगह। ओम श्री गुरु भगवान रक्षा करना बुद्धि देना, ओम शांति, ओम थॉट माता रक्षा करना बुद्धि देना, ओम शांति रक्षा करना। कितने शेर गुरु जी? एक ये। हाँ जी, ये चूड़ वाले शेर गुरु सारे। अच्छा जी, चूड़ से लाया जाता है ना। अच्छा जी, दो इना वाला शेर गुरु। हाँ जी ठीक है, दो। एक यहाँ गड़ाला वाला शेर गुरु। अच्छा गड़ाला में भी। अच्छा शेर गुरु लिया। अच्छा अच्छा जी, एक यहाँ पार है जहाँ पे सदाच में जाम शादी, एक सदाच में। हाँ जी, एक ऊपर इड़क में जाम, ये पटवारी की लड़की की शादी में गया था। अच्छा वहाँ भी है शेर गुरु? वो तो बड़ा प्रत्यक्ष शेर गुरु है। अच्छा जी, क्या बात है, ऑलमोस्ट पाँच चार पाँच शेर गुरु, क्या बात है। श्रीगुरु से घिरे हम चार तरफ, सही बात है, तभी इनकी रक्षा बनी रहती है। सही बात है, माता माता है। हाँ सही बात है, सामने है हमारी थॉड माता, ओम माता जी रक्षा करना होती है। और फाइनली हम अपने बगीचे भी पहुंच चुके हैं। अब सोच रहे मैं और पापा थोड़ा नीचे जाके, मतलब जहाँ से हम अपने बगीचे में एंटर करते हैं वहाँ रुकेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर राउंड मारेंगे पूरे बगीचे का, ताकि एनर्जी बनी रहे ना यार। चलो जी बगीचे पर पहुंच ही गए फाइनली। कई जगह तो दाने काफी ज्यादा है, ये जो ब्राउन वाली बीमारी बोल रहा हूँ, ये देखो सामने, ये कुछ जल जैसे क्या है पता नहीं, ये देखो ब्राउन ब्राउन से हो रहे पत्ते बीच बीच में, और जैसे ये हो गया इसमें, देखो भाई देख लो ब्राउन से हो रहे, पता नहीं क्या बीमारी आ रही है, ये जलने की वजह से ये पापा फंगल है कुछ, पता नहीं फंगल ना हो गया। तो यार ये देखो कई जगह है, देख रहे हो ना आप, ब्लैक ये ब्राउन ब्राउन सी होगी लीव्स, ब्लैक ब्लैक सी भी होगी कई जगह, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, या ये फंगल डिजीज़ है, या जो अभी शायद हमने लेटेस्ट स्प्रे किया उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम, है ना जी। इसके लिए आज हमारे को स्पेशली आना पड़ा बगीचे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था पूरे बगीचे में यार, मतलब आपको हर एक पौधे में दिखी जाएगी ब्राउन ब्राउन सी लीव्स हो रही है। अब इसके लिए मेडिसिन लाए तो हम कुछ ना कुछ, अब देखते हैं वो वर्क करती है कि नहीं करती है, उसका जब स्प्रे होगा उसके बाद ही पता लगेगा। एक और चीज़ यार, ये मौसम मौसम मतलब अब ये जो बारिशों वाला मौसम है ना, कितने टाइम से चला आ रहा है, प्रॉपर कहीं धूप नहीं लग रही है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो मॉइस्चर रिटेन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, और ऊपर से ये नेट तो और भी ज़्यादा करता है, मतलब ये है कि अगर आपके किसी पौधे में कुछ भी बीमारी या कुछ भी हो गया ना, उसकी वजह से पूरे उसमें फैल जाती है, क्योंकि ना प्रॉपर कहीं से एयर आ रही है, ना सनलाइट आ रही है, क्योंकि एस्केप होने के लिए भी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सारी जगह देखो नेट ही नेट है,
तो अब मतलब ये नेट के फायदे भी है, नुकसान भी है, बाकी जो ये मौसम का हाल है वो भी कुछ बुरा ही है। अब देखो फ्रूट इतना आ गया इस टाइम, ये साइज है फ्रूट का। फ्रूट प्रॉपर से ग्रो हो, अच्छी सी क्वालिटी बने, उसके लिए भी गर्मी और धूप की बहुत ज्यादा जरूरत है। पता नहीं क्या हो गया ना। अच्छा वो अच्छा, हाँ ये देखो बिल्कुल चिथड़े बनाए, सही बात है। घुसे कैसे मगर, ये जो अनकवर्ड एरिया है। अच्छा अच्छा ओके, तो ये तो परे नहीं था शमी अंकल के डेरे के पास, ये अनकवर्ड एरिया कुछ बीच में है। जहाँ जहाँ मतलब नेट्स नहीं लगे ना, वहाँ वहाँ मतलब ओलो ने बुरा हाल किया है। ओले मतलब हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स पिछले महीने तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही आए थे भाई, और उन्होंने ऐसी तबाही मचाई थी। वो तो अच्छा है नेट लगाए हुए हमने, वहाँ तो बच गया, बट जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ देखो भाई, वहाँ देख रहे हो क्या दाग पा दिए ओलो ने। ये देखो जैसे ये हो गया है ना, और भी कहीं ना कहीं ये देख लो पत्तों के क्या हाल कर दिया है। ये देखो इस सेब का क्या हाल हो गया है। तो ये होता है यार ओलो की वजह से, तो नेट यहाँ काम आते है, ओलो से बचाता है नेट। बारिश क्यों हो रही है शुरू यार, ऊपर से मैं जूते वाले ले आऊँ फिसलूंगा मैं, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। रुक जाए यार थोड़ी देर, रुक जाओ जाने दे वापस हमें, फिर बरस लियो बेशक बरसना होगा। तो क्या होना, तो ये देख रहे हो घास इस बारी किस लेवल की हुई है पूरे बगीचे में यार, मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है तो अबैंडन्ड है पूरा बगीचा, कोई ख्याल ही नहीं रख रहा इस बगीचे का। ये जो बारिश हो रही है लगातार, उसकी वजह से ग्रोथ हर कुछ है ग्रास की, समझ नहीं आ रहा है, बट बहुत घास है भाई। लिटरली ऐसा लग रहा है हम जंगल में आए किसी, और ऐसे लग रहा है बिल्कुल अबैंडन्ड है बगीचा, कोई इसकी देखभाल कर ही नहीं रहा। देखो देख रहे हो साइज़ देख लो इस घास का, देखो मेरे हेड तक की पहुँच गया भाई घास यहाँ पर, और सारी जगह ऊपर से लेकर नीचे तक सारा यही हाल है भाई। और ये रहा जी अपना घर, पहुंच गए घर के पास भी हम फाइनली। अंदर तो देखो हम जाएंगे नहीं, हम क्योंकि इसकी चाबी मिल रहा है, क्योंकि हमने रुकने एक दो घंटे के लिए था, उससे ज़्यादा नहीं, तो हमने सोचा घर की चाबी ला के फ़ायदा कुछ नहीं है। तो वाली बात होगी वो होगी भाई, ये बारिश, ये तब से लगातार लगी हुई है बारिश, हल्की हल्की लगी है लेकिन लगी हुई है। तो मुझे टेंशन नहीं है कि भाई चलो नीचे तो उतर गए, ऊपर चढ़ना कैसा है, कैसे चढ़ेंगे ऊपर तक। ये देखो यार फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, बस ये जो बीमारी लग गई है ना पत्तों में, इसका पता लग जाएगा एक बारी, अब फसल अच्छी हो जाएगी इस बारी। देख रहे हो ना साइज़ भी अच्छा बन रहा है इस बारी, और क्वांटिटी भी ठीक है, देख रहे हो ना। ये अभी मैं आपको सिर्फ एक पेड़ में दिखा रहा हूँ, ऐसे मैक्सिमम पेड़ों में आपको ऐसी दिखेगा। हाँ जिसमें पिछली बारी ज़्यादा थी उसमें इस बारी कम होगी, बट स्टिल फसल काफ़ी अच्छी है। ये देखो एक और पेड़। तो जी अब जा रहे हैं हम वहाँ पर, मतलब शायद हमारी लास्ट लोकेशन होगी आज की ये। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमारी बाउंड्री ख़त्म होती है। वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यार वहाँ भी हमारा एक छोटा सा डिस्प्यूट हो गया था साथ वाले के साथ, क्योंकि पता नहीं वो कुछ कटिंग कर रहे थे अपने बगीचे में, उन्होंने हमारे उसमें ज़्यादा काट लिया था, फिर उसकी वजह से हमारे को अपनी दीवार बनानी पड़ी पूरे बगीचे में, ताकि हमारी बाउंड्री मार्क हो जाए और पूरी कवर हो जाए, ताकि जो दूसरा खेत वाला है या दूसरे बाउंड्री वाला है वो दखल अंदाजी ना कर पाए। तो यही है बस, यहाँ से ऊपर वाली हमारी, ये नीचे वाली उनका दीवार, ये है वो दीवार जो दी गई है बाउंड्री को अलग करने के लिए, बाउंड्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ से शुरुआत हुई है इस दीवार की, क्योंकि यहाँ से नीचे देखो किसी और की बाउंड्री है, यहाँ से ऊपर हमारी बाउंड्री है, और ये काम सारा शम्मी अंकल ने किया, सारा का सारा देख सकते हो आप। दीवार तो बड़ी ख़तरनाक दिया भाई, और ऊपर से यहाँ मिट्टी मिट्टी डाली ना, मेरे जूतों में सब में मिट्टी चिपक चुकी है, अब जूते इतने भारी हो चुके और ऊपर से फिसल रहे अब सारी जगह, क्योंकि मिट्टी चिपक चुकी है, ग्रिप बिल्कुल बचा नहीं है जूतों में, वैसे ही बड़ा कम था। अब देखते हैं भाई कैसे कैसे जाता हूँ मैं। अब देखो मैंने यहाँ से ऊपर से छलांग दी और यहाँ जाके मारी, ये तो अच्छा पापा ने हाथ पकड़ा था, फिसला नहीं वरना गया था मैं। अब रिग्रेट हो रहा है, काश मैं वो जूते ले आता जो मैं स्पेशली लाया था यहाँ के लिए, तो शायद बच जाता। देखिए और देखो मौसम भी कटने लग गया गाइस, अब यस बस तभी बरसना था इसने जब हम बगीचे में, बाकी अब ठीक हो गया, जब वापस जाने लगेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस मौसम का भी क्या ही बताया आपको, बुरा हाल है। ये देखो भाई अब घास में रगड़ रगड़ के सारी मिट्टी हट गई है, सारी तो क्या मतलब मैक्सिमम हटी गई है, थोड़ी थोड़ी बची है, अब ये चल चल के हटती जाएगी धीरे धीरे करके,
ये देखो पूरा जूता साफ हो गया, वरना अभी तक ऐसा लग रहा था 1 किलो मिट्टी फंसी है। कपड़े तो चलो गंदे हो ही चुके हैं यार, अब बगीचे में तो कपड़े गंदे हो नहीं थे कि मुझे ट्रैक पैंट पहन के आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ जीन्स। इतना सोचा था ना यार कि ऐसा हाल होगा। बट चलो कोई नहीं, अब चलते ऊपर की तरफ। फिर धीरे धीरे हम निकलते भी है क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बजने वाले और अब हम उससे ज़्यादा देरी करना नहीं चाहिए। तो जी फाइनल गुड बाय करने का टाइम आ चुका है इस जगह को। हाल देख रहे हो, पूरे गंदे हो गए मिट्टी से, ये देख रहे हो। तो इसलिए हुआ यार क्योंकि अभी ऊपर कीचड़ पे आते आते कभी कहीं से पकड़ना पड़ रहा था, कभी कहीं से वरना फिसल रहे थे। वो है कि जैसे तैसे हमने क्रॉस तो कर दिया, बाकी जो पत्तियाँ थी जिनमें हमारे को ऐसा लग रहा था डाउट की बीमारी है या रिएक्शन है, वो हम साथ ले आए क्योंकि कल ये चेक करवाने के लिए मैं ले जाऊँगा इनको मशोबरा लेबॉरेटरी में, वहाँ एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या दिक्कत है। लग तो हमें फंगल डिजीज ही रही है, बट चलो अपनी तरफ से क्यों अज्यूम कर लेना। तो भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, कहाँ हम सोच रहे थे हमारे को बिल्कुल पार्किंग नहीं मिलने वाली क्योंकि टाइम मैं बताऊँ तो 9:15 हो चुके, बट फॉर्चुनेटली देखो भाई यहाँ 2 पार्किंग अभी भी खाली है जिसमें से एक में हमने लगा लिए। हाँ सबसे ज़्यादा खुशी यही मिलती है, यही होती है भाई कि वापस आके पार्किंग मिल जाए, यही सोच रहे थे हम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वरना ऊपर जाना पड़ता स्पेशली। बट चलो मिल गई, अब संतुष्टि से घर चल सकते हैं हम। तो घर चलते हैं भाई, नहाते धोते खाते पीते फिर रेस्ट करते हैं क्योंकि आज थोड़ी बैंड बज चुकी है यार। इतने टाइम बाद इतना लंबा सफ़र किया है ना, एक ही दिन में अप डाउन और इतनी ड्राइविंग, बहुत भारी पड़ चुका है। बट चलो अब इसी के साथ ये सफ़र भी कंप्लीट होता है और हम भी चलते हैं अब घर की तरफ।